एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स की ही एक्सरसाइज 3.5। 3.4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर 460, राइट द मिसिंग नंबर्स। बोल रहा है हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर 460, राइट द मिसिंग नंबर। देखो, फैक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फैक्टर 60 के कैसे निकालते हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर फैक्टर आता है। एक तो क्या था वो तरीका था हमारा, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे कर सकते हैं, या तो इसका ट्रे बना के भी कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का। देखो, सबसे पहले मुझे 60 के फैक्टर निकालने हैं, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं एंड 5 से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2, कितने टाइम डिवाइड होगा, 30 टाइम। अगेन मैंने 2 लिया, कितने टाइम होगा, 15 टाइम। नाउ 5, तो कितने टाइम होगा, 3 टाइम, देन 3 एंड 1। नाउ दिस इज कम्प्लीट। तो इसके हमें क्या क्या फैक्टर मिले, 2, 2, 3 एंड 5। वैसे अगर फैक्टर हम बात करें तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे इसके, 2, 3 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5। लेकिन हमें इसके पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या मिला, 2, 2, 3 एंड 5। क्लियर है इतना। अब देखो, 60 को ट्री मेथड से आपकी बुक में जो बताया है वो कैसे बताया है, एक बार मैं बना लेती हूँ बुक में से। देखो, 60 जो भी मिसिंग नंबर है हम फाइंड कर लेंगे। तो 60 को दो नंबर्स में तोड़ा है यहाँ पर, 6 एंड 10 में। किस किस में तोड़ा है, 6 एंड 10, क्योंकि 6 एंड 10 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 60। अगेन 6 को मैं क्या कर सकती हूँ, 2 एंड, अब यहाँ पर नंबर मिसिंग है तो 2, 3 जा क्या होता है, इस मिसिंग नंबर के प्लेस पर क्या आएगा, 3, क्योंकि 2, 3 जा क्या होता है, 6। एंड हेयर व्हाट विल कम, एंड हेयर इज 5 ऑलरेडी गिवन, एंड 5, 2 जा कितना होता है, 10। सो दिस इज मिसिंग नंबर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। आपकी बुक में ये दो नंबर आपसे पूछे हैं तो ये दोनों नंबर हमें क्या मिलेंगे, 3 एंड 2। तो देखो, यहाँ पर भी आपको प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2, 3, 5 एंड 2, 2, 3, 5 एंड 2। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो, 60 को और कैसे लिखा गया है, और कैसे लिखा है, 30। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है 30, तो किससे डिवाइड करोगे आपके 30 मिले, ये आपसे पूछा है मिसिंग नंबर। तो क्या आएगा, देखो 60 को किससे आप डिवाइड करोगे कि 30 मिले, या 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, या आपको 60 मिले। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो, 60 को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिला है, 30, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। अगेन क्या गिवन है, अगेन गिवन है 10। देखो, इसको किस में तोड़ा है, 10 इज गिवन, एंड ये आपसे पूछा है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करो आप, 30 मिलेगा। तो ये मिसिंग नंबर जो है वो क्या मिलेगा आपको, 3। अगेन ये 10 को तोड़ेगा तो दोनों ही क्वेश्चन मार्क गिवन है, दोनों ही क्वेश्चन मार्क गिवन है। तो देखो, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2। तो हमें वही प्राइम फैक्टर मिले हैं, अगेन 2, 3, 2 एंड 5। आप 60 को कैसे भी तोड़ सकते हो, या तो 30/2 में, या फिर 6×10 में, मैंने आपको बताया था, आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 3 से भी कर सकते हो। किसी भी तरह से अगर आप करोगे तो आपको लास्ट में जो प्राइम फैक्टर मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं, 2, 3, 2 एंड 5 ही मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप सभी को ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको इनसे प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया था, यहाँ पर तो ट्री मेथड गिवन है, बाकी आप इस वाले मेथड से करोगे देन आपको और भी इजी लगेगा। क्लियर है? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है सेकंड क्वेश्चन, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर।
देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोला है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आते हैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो. देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के लिए, तो देखो, जस्ट अ मिनट. देखो, ये भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर ही है. 60 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर ही है. ठीक है, तो देखो, कॉम्पोजिट नंबर कैसे है. सबसे पहले तो ये देखो कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है. अब हम चलते हैं कि पूछा है कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं होते हैं. तो अगर मैं आपसे 60 के फैक्टर की बात करूँ तो कौन कौन से आ सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो फैक्टर है तो क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि किसी भी नंबर का फैक्टर है जो 1 तो होता ही है, एंड जो डिजिट होती है वो खुद भी होता है. तो यहाँ पर मुझे 1 एंड 60 देखो आपको फैक्टर में मिला था, नहीं मिला था. देखो, तो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको. कोई दूसरा कॉम्पोजिट नंबर हम यहाँ पर लेते हैं. चलो, मैं क्या ले लेती हूँ, सबसे चलो छोटा ही कॉम्पोजिट नंबर आपको लेके दिखाती हूँ, दैट इज 4. क्लियर है इतना. अब इसके फैक्टर्स तो सबको पता है क्या क्या होते हैं. देखो, 1 मल्टीप्लाई मैं 4 करती हूँ, देन आई विल गेट 4. 2 मल्टीप्लाई 2 भी करो तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. क्लियर है इतना. तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए, 1, 2 एंड 4. क्लियर है. तो देखो, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो मुझे 1 भी मिला, 2 भी, एंड डिजिट इटसेल्फ. क्लियर है. लेकिन अगर मैं इस मेथड से करती हूँ तो मुझे देखो क्या क्या मिलेगा, 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 एंड 1. तो इसके जो फैक्टर है वो क्या क्या मिले मुझे, 2,2. तो हम इसको सिर्फ 1 बार ही लिख लेंगे कि उसका क्या है, एक प्राइम फैक्टर 2. लेकिन प्राइम फैक्टर तो 2 मिला, बट हमने यहाँ पर किस किस को इंक्लूड नहीं किया, 1 को एंड 4 को, जो कि इसके फैक्टर है. तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात होती है तो 2 फैक्टर इंक्लूड नहीं होते हैं, दैट इज 1 एंड डिजिट इटसेल्फ. तो आप इसका आंसर क्या लिखने वाले हो, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर. तो आप लिखोगे 1 एंड डिजिट इटसेल्फ. क्लियर है, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.